हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मेरे एक वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल का अर्जुन प्रतिनिधि हो और आप यहाँ पे एयरटेल का एमएनपी करते हो, एमएनपी करते वक्त अगर आप यहाँ पे एफआर यूज करते हो 399 का, तो आप हो जाओ सावधान, क्योंकि यहाँ पर जो है एयरटेल का एमएनपी 399 एफआर पे यहाँ पर पे आउट को बंद कर दिया गया है। अगर आप ये एमएनपी एफआर को करते हो एमएनपी करते वक्त, तो आपको यहाँ पर कोई भी पे आउट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पे आउट इसमें बंद कर दिया गया है, इसके जगह पर नया एफआर को ऐड किया गया है। एमएनपी 399 के जगह पे अभी नया एफआर को ऐड किया गया है। तो वो एफआर क्या है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर वो एफआर को आप करते हो तो यहाँ पर आपको कितने का पे आउट देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि अनोला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो यहाँ पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एयरटेल का एमएनपी करते हो और एमएनपी करते वक्त अगर आप यहाँ पे एफआर यूज करते हो 399 का, अगर आप एक एपी हो, एक अर्जुन प्रतिनिधि हो, तो अब आपको यहाँ पर जो है एयरटेल का एमएनपी 399 एफआर के जगह पे अभी एक नया एफआर को ऐड किया गया है। अगर आप यहाँ पे एमएनपी करते वक्त 399 एफआर को करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी पे आउट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो नया एफआर को ऐड किया गया है वो एफआर क्या है, तो चलिए यहाँ पर मैं वो एफआर के बारे में बता दूँ। जो यहाँ पर नया एफआर को ऐड किया गया है वो एफआर है यहाँ पर 249 का। अगर आप यहाँ पे एमएनपी करोगे तो अब आपको यहाँ पर करना होगा 249 का एफआर। अगर आप यहाँ पे 249 का एफआर करोगे तभी आपको यहाँ पर जो है पे आउट देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर डेली वेज का जो पे आउट दिया जाता है, जो आपको यहाँ पर एमएनपी करने का जो पे आउट दिया जाता है वो आपको यहाँ पर पे आउट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 249 एफआर को यूज़ करोगे एमएनपी करते वक्त तभी आपको यहाँ पर पे आउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि यहाँ पर जो पे आउट मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितना एमएनपी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एमएनपी करना होगा वो आपको दिन भर में यहाँ पर जो है 2 से अधिक एमएनपी करना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर दिन भर में 2 एमएनपी करते हो तो यहाँ पर हर एक एमएनपी के पीछे आपको यहाँ पर 50 रुपया मिलेगा। अगर आप 2 एमएनपी करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपया मिलेगा। अगर उसके अलावा आप यहाँ पे जो है ज़्यादा एमएनपी करते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 3 एमएनपी करते हो तो आपको यहाँ पर 150 रुपया मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जो है 5 एमएनपी करते हो तो आपको यहाँ पर जो है 250 रुपया कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर एमएनपी पे आउट मिलेगा आपको एमएनपी एफआर करते वक्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एयरटेल का एमएनपी 399 एफआर को आपको यहाँ पर नहीं करना है। अब जब भी आप एमएनपी करोगे तो आपको यहाँ पर 249 एफआर को यूज करना है, क्योंकि अगर आप ये 249 एफआर को नहीं यूज करते हो तो आपको यहाँ पर पे आउट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर जो है कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर कस्टमर को बेनिफिट देखना नहीं है, यहाँ पर आपका भी अपना खुद का भी बेनिफिट देखना है कि आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट है, उसी एफआर को आपको यहाँ पर यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर जो होते हैं, कस्टमर खुद के हाथ में होते हैं कि कस्टमर को आप जैसे समझाओगे, जैसे से आप यहां पे जो है उनके लिए ऑफर को पेश करोगे, उसी तरीके से उनको वो ऑफर यहां पर समझ आएगा और वो ऑफर को यहां पर ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहां पर एयरटेल का एमएनपी करते वक्त यहां पर 249 एफआर को ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के जरिए मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला था। जो यहां पर एयरटेल का ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, यहां पर जो है एयरटेल ने अपना 399 एफआर से जो है पे आउट को हटा दिया है, तो आपको ये एफआर को नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिटेलर भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार का या सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो यहां पर रोजाना देख पाओ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे कस्टमर रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से चैनल ओपन कर रखा है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को यहां पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।